सिरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप कहा ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। मतलब आप दोनों राजी खुशी से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये तलाक आप दोनों की मर्जी से हो रहा है। तो ठीक है, अगली तारीख से असल सुनवाई होगी। श्रावी तुम ऐसे अचानक? अरे आओ बैठो ना, बैठो। बबलू दो चाय लेके। अरे मुझे बुला लिया होता, क्या बात है? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? वो बात नहीं है, मैं बस देखिए अब आप इस गैरेज के मालिक भी हैं और साथ ही साथ मेरे जेठ भी, तो इस नाते मेरा यहाँ आने का हक भी है और फर्ज भी। सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें इस रूप में देखना और एक्सेप्ट करना। कल की एक छोटी सी नटखट सी लड़की मेरे सचिन से शादी करके मेरे घर पे आ रही। सच कहता विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास कीजिए, अब ये इस गैरेज के कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स रिसीट, कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स भी हैं। आपने पापा से मांगे थे ना सबमिशन के लिए? अरे हाँ, ये उस कंपनी को देना है जिससे मैंने लोन लिया। थैंक यू। अच्छा मुझे आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। तो अभी अभी पापा घर पर सगाई के बारे में बात कर रहे थे, वो काफी एक्साइटेड है मेरी और सचिन की सगाई को लेकर। नहीं खुश तो सभी, अरे घर पे आई की खुशी का तो ठिकाना नहीं। अच्छा पापा कह रहे थे कि अगर इस सैटरडे को छोटा सा गेट टुगेदर हो। और मैं सोच रही थी कि अगर आपके साथ अर्चना जी और उनके घर वाले भी शामिल हों तो। शामिल हो? देखिए प्लीज, ये अकेले सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, सचिन भी यही चाहता है। वो तो आपके अर्चना जी के डिवोर्स के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वो तो चाहता है कि आपके और अर्चना जी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गलतफहमी है वो दूर हो। और सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ। अगर इस गेट टुगेदर के बहाने कुछ अच्छा हो सके तो। कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज कोर्ट में पहली तारीख भी थी। मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। I'm sorry. ठीक है, वैसे कितनी बड़ी हो गई हमारी श्रावणी, कितना कुछ सोचने लगी है मेरे बारे में। थैंक यू सब चीज के लिए, थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे वो बबलू चाय लेने गया, वो तो पीते हुए ना? नहीं पापा वेट कर रहे होंगे, फिर कभी। नमस्ते ताई, बहुत परेशान कर रही हूँ ना आपको, अभी सुबह आई थी और अभी फिर से। अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रही, ये तो आप ही का घर है, आइए ना अंदर आइए।
आओ। नमस्ते भाई। नमस्ते बहन जी, आइए आइए जी, बैठिए। भाई साहब कैसे हैं? लगता है आई की बात हो गई। क्या बात है, सुपर फास्ट। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। मंजू चाय लेकर आना। अर्चना कैसी है? मेरा मतलब वो कोट वगैरह ना, संभाल लिया ना उसने सब कुछ? वो संभालने की कोशिश कर रही है, और आप तो जानती हैं जिंदगी का यही उसूल है, कितने भी हादसे हो जाए ना वो खुद रुकती है ना हमें रुकने देती है। चाय जी लीजिए। ताई मैं यहाँ एक खास वजह से आई हूँ। वही पुरानी बात, अर्चना और सतीश के रिश्ते की। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग, मुझे मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि इसी वजह से, लेकिन आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। और फिर सतीश इतना होनहार लड़का है, सब कुछ जानते हुए भी आप ये रिश्ता लेकर हमारे पास आई, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे सुबह ही कहा था ना कि अर्चना जैसी लड़की को कोई भी माँ अपने घर की बहू बनाना जरूर चाहेगी। रही बात उसके बीते हुए कल की, तो शायद किसी हद तक उसके बीते हुए कल का जिम्मेदार सतीश भी है। अगर सतीश ने उसको उस समय गलत नहीं समझा होता तो शायद अर्चना आज जाने दीजिए, इन सारी बातों का अब कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना ताई? अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो तो मैं सतीश और उसके बाबा से बात करूंगी, वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। जी देखिए, हम जरूर आपकी बात पर सोचेंगे। अगर हमें अर्चना की जिंदगी को आगे ले जाना है तो इस रास्ते क्यों नहीं। मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, हम जरूर इस बारे में सोचेंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। जरूर ताई। दादा ये लो, ये रही मेरी सारी सहेलियों की लिस्ट, इन सबका नाम भी लिख दो। अरे तो बहुत सारे हैं। कहाँ हैं? सचिन, वो बाबा तूने अपने दोस्तों को बुलाया कि नहीं? अरे बाबा मैंने पहले इनविटेशन कार्ड पे उन लोगों का नाम लिखवा दिया था, अब तो बस बांटना बाकी है। मैं वो बाबा मेरी तरफ से भी एक नाम लिखना। हाँ बाबा बोला। लिख मनोहर करंजकर और फैमिली। अरे बक्तस का है ये ना, मैं खुद जाके निमंत्रण देने वाला हूँ उनको। क्या कर रहा है तू? वो तो 2400 घंटे नशे में रहते, तू तो होश में है ना? अरे सबको शादी के कार्ड बांटने के लिए ये क्या मंदिर का प्रसाद है? ये बक सविता। दादा देखो दादा, आप उनकी तरफदारी मत करना। नहीं अभी अभी तलाक के पेपर पर सही हो गई है, हैं? थोड़े ही दिनों में तलाक हो जाएगा, ऐसे वक्त हमने उनको बुलाया तो लोग क्या कहेंगे? अभी गैरेज के उद्घाटन के दिन अचानक से वो अर्चना थड़की, हैं? पूजा में बैठने दिया, लेकिन लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी गई ना, है क्या? नहीं लेकिन क्यों बोली नहीं मैं? इसके ससुर जी आए जे गिरीश जी,
उनके सामने हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए, इसके लिए मैं चुप बैठी। तो मेरी बात सुनिए, हम न उनको सगाई पर बुलाएंगे, न उनको शादी पे बुलाएंगे। अगर इस घर में मेरी इज्जत है तो मेरा कहा कोई नहीं काटेगा। ये देखो भाई, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे हम उनको। अरे विनोद, आ गए तू? बेटा तेरा इंटरव्यू कैसा है? बाबा अच्छा ही रहा, लेकिन क्या है ना बाबा, बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। अब पता नहीं मैं उसमें कितना और किस हद तक फिट करता हूँ, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आई आज मैं मार्केट होते होते आई, ताजी सब्जियां मिल रही थी तो मैं लेकर आ गई, मैं रख के आई। कोर्ट में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं दादा, प्रमोद दादा थे ना वहां, तो उन्होंने सब संभाल लिया था। चलो अच्छा है, बाकी की बातें मैं उससे मिलकर फोन पर कर लूंगा, ठीक है? अच्छा आई, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छू नहीं मतलब कोर्ट से ऑफिस जाते आते देर तो नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब है सतीश ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं आई, मैंने सतीश जी को पहले ही बता दिया था कि आज मैं लेट आऊंगी, और जब मैं ऑफिस पहुंची तो उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दी। सतीश अच्छा लड़का है ना? हाँ आई, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अर्जु से आज ही बात कर लेना, मुझे लगता है वो ना नहीं कहेगी, अच्छा रहेगा ना? आज बहुत थक गई। अच्छा? ऑफिस में बहुत काम था क्या? हाँ ये पूछो मत, बहुत काम था, मैं अभी आती हूँ। आई मैं अर्जु और वर्षु के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, और प्लीज आप आज अर्जु से बात कर लीजिएगा, ये रिश्ता जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, समझ रही है ना आप? हाँ। आओ, तुम्हारा क्या वर्त? आज अर्जु से बात करूं? नहीं सुलोचना, हम आज उससे बात नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं होगा, हम लोग कल परसों कोशिश करेंगे ना। कैसी कोशिश करनी आई? नहीं बेटे, वो मेरे पेंशन का केस चल रहा है ना, तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। अशु बहुत थक गई है ना? ऑफ कोर्स, काम करूंगी तो थकूंगी ना, क्यों आप भी तो ऑफिस जाती है, शाम को थकती है ना कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कोई ऑफिस जाता है वहाँ जाकर काम करता है तो जरूर थक जाता है, लेकिन जब कोई ऑफिस जाता ही नहीं, काम करता ही नहीं, तो फिर थकता कैसे है? मतलब कमाल है वर्षु, 10-10 ठोकरे खा चुकी हो तुम अपनी जिंदगी में, फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं पी तेरी। अरे वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से न जाए। अच्छा ये बता, तुम ये सच्चाई घर वालों से कब तक छुपा कर रखोगी? कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई वर्षु,
तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तू जानती है। तो फिर तू मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है, खुद क्यों नहीं बोलती? ठीक है भाई, अरे हर इंसान की अपनी जिंदगी का एक किस्सा होता है। कोई घर को लेकर परेशान होता है, तो कोई घर वालों से परेशान होता है, कोई अपने करियर को लेकर परेशान होता है, तो कोई अपने काम को लेकर, और कोई अपने प्यार को लेकर परेशान होता है। हाँ, वैसे ये बात और है कि हर कोई लड़की तेरी तरह अपने शादीशुदा बॉस से अफेयर नहीं करती। क्या हुआ, इस तरह मेरी ओर क्यों देख रही है? गलत कहा मैंने? लेकिन वर्षु, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली, अपने तक ही रखूंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जॉब तो तूने छोड़ दिया है, ऑफिस तो तू जाती नहीं, तो फिर ये ऑफिस के बहाने ये दिन भर करती क्या है तू? देख, ये इस तरह तू दिन भर घूमती रहेगी, अगर विनोद या किसी और ने देख लिया तो? अब तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो मैं तो बताने नहीं वाली, लेकिन तेरी अपने ही कर दू। अगर कभी किसी ने तुझे इस तरह देख लिया ना तो, और आई को आकर बता दिया तो, आई किस तरह रिएक्ट करेगी ये मैं नहीं जानती। वो तुझे थप्पड़ मारेगी, चाटे मारेगी, या तुझे डांटेगी, ये सब तो मैं नहीं जानती ना। बहनी हूं ना मैं तेरी, बहुत फिक्र है मुझे तेरी। तुमसे कुछ कहना है, एक बात है जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है, और शायद आज वो वक्त आ गया है जब मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। वर्षा, लेकिन बात क्या है, और तुम मंजुषा का हाथ पकड़कर उसे अंदर से इस तरह क्यों लेकर आई? आई आई मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन प्लीज पहले जो मुझे कहना है कह लेने दो। आई आई पिछले कई दिनों से मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। मैं जिस दिन से घर वापस आई हूँ उस दिन से मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ। जॉब छोड़ दी है। तुमने जॉब छोड़ दिया? आई मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन यही सच है। आई मैंने तुमसे पहले भी झूठ बोला था, और उसकी बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हें बाहर वालों से पता चले और हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा हो। इससे तो ये अच्छा है कि आज ही हिम्मत जुटाकर मैं जो भी सच है तुम्हें बता दूं। ऐसी क्या बात है बच्चों? बच्चों बता क्या हुआ? तब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जोरदार थप्पड़।